जा रहे हैं डरबन घूमने के लिए, घूमने के लिए नहीं किसी काम से, तो हमने सोचा चलें आप लोग के साथ भी शेयर कर लें। हम इन जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, ये खड़ा है जहाज़ हमारा, इसमें जाना है हमने। ठीक है, जहाज़ में ये हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है और सामने वो हमारी होस्ट है। दोस्तों ये दिखें हम अपने सफ़र पे चलना शुरू हो गए हैं। ये देखें जहाज़ ने रनिंग ट्रैक पकड़ लिया है, थोड़ी देर में सारे घर और सारी चीज़ें छोटी छोटी हो जाएंगी। आसमान देखें बिल्कुल नीला हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जा रहे हैं डरबन घूमने के लिए, घूमने के लिए नहीं किसी काम से, तो हमने सोचा चलें आप लोग के साथ भी शेयर कर लें ये छोटा सा सफ़र डरबन का। वैसे तो हमारा प्रोग्राम वैसे भी था डरबन वीडियो बनाने जाने का, लेकिन आज इत्तेफाक से ज़रूरी काम आ गया है तो हम जा रहे हैं, तो आप भी साथ रहिएगा, आपको घुमाते हैं डरबन। ये हम ऑलरेडी डरबन एयरपोर्ट जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और बोर्डिंग हमने कर ली है, तो बस अब हम अपने गेट नंबर पे जा रहे हैं। गेट नंबर है C12, तो ये तो D चल रहा है, सी ज़रा आगे है, तो हमारे साथ रहिए। तो ये सामने आप देख सकते हैं जहाज़ वगैरह खड़े हुए हैं, पूरा एयरपोर्ट ये देखें, ये देखें। अभी हम ढूंढ रहे हैं अपना गेट, बोर्डिंग गेट C12, तो ये दिखा रहा है बोरिंग गेट C8 से C13, ये देखिए C8 से C13। अच्छा, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारा जहाज़ भी जो है वो ये सामने खड़ा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से ये है साउथ अफ्रीकन एयरवेज। ये हम पहुंचने वाले हैं, मेरे ख्याल से ये हमारा जहाज़ है, ये शायद आपको नज़र आ रहा होगा, ये खड़ा है जहाज़ हमारा, इसमें जाना है हमने। ठीक है, साथ रहिए, ये चलते हैं, इसमें मज़ा आएगा। C12 पे आ गए हैं हम, मेरे ख्याल से पैसेंजर इंतज़ार में बैठे हैं, तो काउंटर से पता कर लेते हैं। या आई थिंक दिस इज C12। हाँ, तो दोस्तों ये हम वेटिंग एरिया में बैठ गए हैं आके, अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। बोर्डिंग से मुराद जहाज़ पे जाएंगे, क्योंकि बोर्डिंग तो हमने बोर्डिंग पास तो पहले ले लिया था, बस हम थोड़ा वेट करते हैं फिर चलते हैं जहाज़ पे। बाहर देख सकते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं इंतज़ार में, ये सब बोर्डिंग के लिए बैठे हुए हैं, तो सारे के सारे सामने काउंटर है, तो काउंटर पर सारे लोग जाएंगे, अभी हम यहाँ से जहाज़ पर बैठेंगे, तो हमारे साथ रहिए। ये देखें सब लोग लाइन में खड़े हो गए हैं, बस अब अभी हम जहाज़ में जाने के लिए तैयार हो गए रहे हैं, जहाज़ में बैठने जा रहे हैं। देखें ये हमारा जहाज़ यहाँ पर मौजूद है, इसमें जा रहे हैं अभी हम। मज़ा आ रहा है, टर्बन पहुँच के भी आपको अभी हम सब कुछ दिखाते हैं। ठीक है, सीट है F19, तो अब हम यहाँ से वॉक करके जाएंगे जहाज़ में। ये हमारा जहाज़ खड़ा हुआ है और सामने वो हमारी होस्ट है। हाँ, वेरी गुड, जहाज़ में आ गए हैं हम लोग, वेरी गुड। जहाज़ के बिल्कुल पीछे दुम पे बिठाया है हमें, कोई बात नहीं, अच्छी जगह है ये। ओ आतंबो इंटरनेशनल जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट जा रहे हैं। वाह, F19 हमारी सीट आ गई है, विंडो के पास है, देखें बैठ गए हैं, सारे पैसेंजर्स भी बोर्डिंग कर रहे हैं, और खूबसूरत लोग, खूबसूरत स्टाफ, साफ सुथरी सर्विस, फ्लाइट,
सेफ पे ठीक है, दिखाता हूँ आपको। ये साउथ अफ्रीका की लोकल सर्विस है, अच्छी सर्विस है, अच्छा स्टाफ है, खूबसूरत लोग हैं। ये देखिए ये हम उनके पास बैठे हैं, अभी आपको साथ लेके उड़ेंगे इंशाल्लाह। That releases a pin to start the oxygen flow. Place the oxygen mask over your nose and mouth. दोस्तों ये देखें हम अपने सफर पे चलना शुरू हो गए हैं। ये देखें जहाज ने रनिंग ट्रैक पकड़ लिया है और अब चंद ही सेकेंडों में इंशाल्लाह हम हवा में पहुंच जाएंगे। ये अब हम मेन ट्रैक पे आ गए हैं, यहाँ से अब जहाज जो है वो उड़ेगा। सामने आप सारे जहाज देख सकते हैं, सब खड़े हुए। अभी थोड़ी देर में सारे घर और सारी चीजें छोटी छोटी हो जाएंगी। ये देखें इतना खास और क्लियर व्यू नहीं आ पा रहा है, सामने आप लोग देख सकते हैं। हो रहा है, ये देखिए हम बादलों में से गुजर रहे हैं और लैंडिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। बस हम 5-7 मिनट में लैंड होने वाले हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि पूरा शहर आबाद है, नदी नहीं नजर आ रहा है। Thank you.
हाथ छुए हुए। आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, यही है एयरपोर्ट पे लिखा हुआ, ये किंग शाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Like wallets, IDs, mobile phones and glasses. Please be careful not opening overhead bins as your luggage may have moved during the flight. जहाज हमारा लैंड हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको बाहर के मंजर भी दिखाएंगे, साथ साथ रहिए हमारे। ये देखें, ये है किंग शाका ज़ू इंटरनेशनल, ये सामने लिखा हुआ है, आपको पता नहीं पढ़ने में आ रहा है या नहीं आ रहा है। लोग अब उतरने की तैयारी कर रहे हैं, सब अपना अपना सामान बटोर रहे हैं, तो अभी ये लोग उतर जाएं तो फिर हम भी कोशिश करेंगे कि बाहर निकलें जल्दी। तो दोस्तों ये बाहर आ गए हैं हम, ये एयरपोर्ट किंग शाका इंटरनेशनल। वाओ, सूरत इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट है ये, यहाँ से भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स जाती हैं। हम एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पर, क्लाउडी है। वरना डरबन का वेदर जो है वो बहुत गर्म होता है हमेशा, जो वक्त से ज़्यादा ही गर्म होता है, तो सर्दियों में भी यहाँ इतनी सर्दी नहीं होती, इसलिए वेदर यहाँ पर आज बहुत अच्छा है। टेम्परेचर जो है 35 डिग्रीज, लेकिन ये कि विंडी है, क्लाउडी है, तो इतना ज़्यादा हॉट फील नहीं होगा। ये काफ़ी लोग बैगेज क्लेम के लिए भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास बैगेज नहीं है तो आप डायरेक्ट एग्ज़िट कर सकते हैं। अच्छा खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, देखिए सब अफ्रीकन ट्रेडिशन की तस्वीरें और उनके जो पॉट्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें सब लगाई हुई हैं इन्होंने। सब ट्रॉलियाँ हैं, यहाँ से आप ट्रॉली ले सकते हैं अपने बैगेजेस कैरी करने के लिए। ये बेस हैं, यहाँ पर सारा लगेज आता है, अगर आपका लगेज है तो आपकी टिकट पे उसकी डिटेल होगी तो आप देख सकते हैं, उस बे पे जाके अपना कलेक्शन अपनी कर सकते हैं। ये एग्ज़िट है, एग्ज़िट से हम बाहर आ गए हैं और अब हम जाएंगे ऊपर की तरफ, ऊपर कैच करना है। देखें ये एग्ज़िट है एयरपोर्ट की, हमारे साथ व्हाट्स योर नेम ब्रदर, इब्राहिम भाई, इब्राहिम भाई हमारे साथ हैं, इब्राहिम भाई हमें लेके जाएंगे जहाँ हमें जाना है। ये टैक्सी रैंक है, यहाँ से हम टैक्सी पकड़ेंगे, साथ रहिए घुमाते रहेंगे हम आपको। ये है जी डर्बन, डर्बन आ चुके हैं हम, वेदर क्लाउडी हो रहा है, अभी हम गाड़ी में जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है, आपको भी साथ साथ घुमाते जाएंगे। खूबसूरत, आई लाइक डर्बन, बिल्कुल कराची जैसा वेदर है, अच्छे अच्छे लोग हैं, कोई मसल मसाइल नहीं है, साफ़ सुथरा शहर है, बहुत अच्छा है।